फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ट्रेडिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग जो है एक और स्टॉक को देखने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग इस स्टॉक को देखेंगे। तो पहले मैं लॉजिक क्लियर करूंगा जो मैं इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ लेवल्स भी शेयर करूंगा जो किस लेवल पर आपको ट्रेड करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, किस टारगेट के लिए आपको होल्ड करना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता के दूंगा। आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए जिससे, और जो है लॉजिक्स को समझ लीजिए जिससे कि आपको जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी होगी, वहाँ पे जो है आप बिना डर के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और जो है आपको लेवल्स नोट डाउन अगर कर लेंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूशन में काफ़ी कुछ आपको मदद मिलने वाला है। इसलिए जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप लोगों को लॉजिक भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ लेवल्स को नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए आप जो है स्टॉक का नाम हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। DLF है स्टॉक। स्टॉक में काफ़ी अच्छा आपको एक ब्रेकआउट आया था। डेली चार्ट पे ये ब्रेकआउट था आपको 360 के लेवल पे, काफ़ी अच्छा आपको चार्ट में दिख रहा है जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था काफ़ी दिनों के बाद। और उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको रैली किया और अब 400 के ऊपर अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे तो कुछ आपको 400 के ऊपर गया, 400 के लेवल को रिटेस्ट किया और फिर से जो है यहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे अब दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जो हम लोग बाय साइड के लिए ट्रेड को दिख रहे हैं, आपको कहाँ पे ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो जब ये लेवल क्रॉस हो, 15 मिनट के चार्ट में हम लोग चलते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं जो किस टाइप से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है जो जब तक 421 के ऊपर एक कैंडल नहीं बनता है, 15 मिनट का क्लोज नहीं होता है, आपको ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। 421 के ऊपर जो है एक 15 मिनट के कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद वहां पे आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। इस लेवल पे आप एक जो है कैंडल 15 मिनट का बनने दीजिए। अगर आप देखेंगे इस लेवल पे आज भी यहाँ पे जो है आपको एक बार टेस्ट हुआ, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, लास्ट में फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा कैंडल बना, यहाँ पे इसी लेवल पे आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे लास्ट का ऑलमोस्ट 1 आवर जो है आपको यहीं पे टाइम स्पेंड किया है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में ही यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे आपको 425 के ऊपर भी कैंडल अगर क्लोज होता है तो वहाँ पे भी आपको ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस होने वाला है 400। ये जो स्विंग लो है ये आपको है ऑलमोस्ट 399 के लेवल पे, ये आपको स्विंग लो है 398 के लेवल पे है और यही आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का होगा। अगर आप 425 के आसपास अगर आपको एंट्री मिलता है तो 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आपका उसी के अकॉर्डिंग 50-60 पॉइंट का होगा। अभी आपको रियल एस्टेट सेक्टर में जो है काफ़ी अच्छा उछाल आया है और सारे स्टॉक जो है आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो DLF जो है आपको रियल एस्टेट सेक्टर का काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे भी आपको जो है एक अच्छा और टारगेट मिलने का उम्मीद है। 500 तक इजीली आपको ये स्टॉक दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है लॉजिक्स क्लियर हो गए होंगे किस लेवल पर ट्रेड करना है। 425 के लेवल पे, 421 के ऊपर जो है कैंडल 15 मिनट का क्लोज होने दीजिए। 425 पे भी मिले तो भी आपको वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है आपको स्टॉप लॉस 398 का रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों जो है लॉजिक्स क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।